दर्शक हाम्रो देश नेपाल भनेको बहुधार्मिक बहु देश नेपालको कुरा गर्न चाहन्छु धर्म संस्कृतिको कुरा गर्न चाहन्छु नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्न चाहन्छु महाशिवरात्रि पर्व अब हाम्रो नेपाली जनताको नेपालीको राष्ट्रिय पर्वको रूपमा छिट्टै हामीहरू सामु आउँदैछ र हामी महाशिवरात्री पर्वको पूर्व सन्ध्यामा आज एकजना यस्तो गुरुसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ गुरु महेन्द्र प्रसाद महाराजसँग आज हामी विशेष कुराकानी गर्छौँ गुरुजी तब तो कार्यक्रम का में स्वागत करना चाहते ठीक से हाल खबर सही तो शिवरात्रि को पर्व नेपाल नेपाली को लगी हो राष्ट्रीय पर्व तपे तो भारत बट के कोशिश लेकर आने शिवरात्रि में पशुपतिनाथ को लगी इसमें यह है कि जो हमारी ये परम्परा ये जल की ये हिंदुत्व और नेपाल के संबंधों का और शिव भक्तों के लिए ये जल की जो व्यवस्था और विश्व कल्याण कल्याण के लिए और सनातन धर्म के लिए ये जल अभिषेक बाबा पशुपतिनाथ में प्रतिवर्ष होता है और यही एक जन जागृति एक संदेश है प्रार्थना का और एकता का और सनातन के लिए यह जलाभिषेक बाबा पशुपतिनाथ में प्रतिवर्ष किया जाता है, है प्रतिवर्ष किया जाता है लेकिन आपने ले इस साल क्यों लिया ये जल जो है एक जन जागृति और परंपरा है ये ये जल जो है अक्षय तृतीया की पावन पर्व पर भरा जाता है गंगोत्री से और साल भर इसकी पूजा जय दुर्गे पशुपति में भवन में होती है उसके उपरांत यह जल जो है महाशिवरात्रि के लिए पशुपतिनाथ में आता है और भारतीय और नेपाली संबंधों के बीच में मैं गुरुजी भी हूँ तो प्रेम संबंध भक्ति संबंध और कार्य संबंधी और अभिषेक संबंधी जो कार्य के लिए बाबा पशुपति में प्रतिवर्ष है मेरे पूर्वजों से दसवां पीढ़ी से हिंदू सनातन और परंपरा के लिए जल अभिषेक बाबा पशुपति में किया जाता है विगत पैंतालीस वर्ष तक पूज्य हमारे पिताजी ब्रह्मलीन गुरुदेव ने पैंतालीसवें जन जागृति और सनातन धर्म के लिए और हिंदुत्व के लिए और भारत और नेपाल संबंधों के मजबूती के लिए यह जल अभिषेक बाबा पुरुष ने किया विगत ग्यारह वर्षों से गुरु जी महेंद्र प्रसाद जी द्वारा यह जल अपनी परंपरा और अखंडता और सनातन के लिए और हिंदुत्व के लिए और भारत व नेपाल संबंधों की मजबूती के लिए यह जल बाबा भूषि में अभिषेक के लिए होता है ओम नमः शिवाय ओम हर हर महादेव इस जल का विशेषता क्या है क्यों चढ़ाना चाहते हैं आप पशुपति नाथ ये जल ये विशेषता ऐसे ही है महत्व महत्व इसका यह है कि जल जो है शिव से ही पैदा है और ये परम्परा मेरे पूर्वजों से चली आई मैंने चढ़ा रहा इसको मैं तो ला रहा हूँ आज मेरी बताए मैंने आपको पूर्व में भी बताया है आपने लेकर ले इस बार, बार इस बार पशुपतिनाथ के मंदिर में जब ये जल आप चढ़ाएंगे उनके लिए फायदा क्या होगा नेपाल के लिए और नेपाल, नेपाल के फायदा का यही होगा कि इस फायदा इसका बेनिफिट क्या होगा बेनिफिट ये होगा ये कोई एक बिजनेस का तो महत्व नहीं है धर्म परम्परा में महत्व है धर्म का महत्व यही है जो इसमें चढ़ाएगा दर्शन करेगा और जिसके हाथ से हमारे हाथ से जितने लोगों के साथ ये चढ़ रहा है विश्व के हाथों से चढ़ रहा है अभी मैं अकेला नहीं इसमें कि मेरे हाथ से चढ़ेगा मैं तो एक माध्यम हो लाने तक इस समस्त कल्याण के, तो तो के लिए चाहे नेपाल को आपको नेपाल के लिए हो चाहे विश्व विश्व भर के लिए नेपाली बात नहीं ने कर पूरा विश्व की बात कर रहा है ये जल अभिषेक कार्य सिद्धि के लिए व्यापार सिद्धि के लिए एकता के लिए और अखंडता के लिए बाबा पुरुषपति में ये जल अभिषेक किया जाता है और इस नेपाल भारत संबंध में धर्म का महत्व क्या है नेपाल वैसा जो नेपाल जो राष्ट्र है ये भी एक सनातनी है और भारत भी सनातनी है और नेपाल और भारत का जो संबंध है ये काल से है रोजी बेटी और इसका रो, बेटी रोजी का रिश्ता है तो ये आसे कि हम देख रहे हैं उस काल से ये व्यवस्था है नेपाल और भारत के संबंध और ये जल हिंदुत्व है ये कोई और जाति के लिए नहीं और नेपाल हिंदू राष्ट्र भी था अब तो जो व्यवस्था नहीं है पर फिर भी ये एक जागृति दे रहा है भारत से और नेपाल के लोगों को जोड़ने का प्रेम का प्रेम का संदेश भी है एकता का संदेश भी और अखंडता का संदेश भी किस भेजा आपको? ये मेरे ने भेजा। अभी जल अभिषेक के कारण नेपाल भारत संबंध में नया आयम आएगा धर्म और संस्कृति में दोनों देश के बीच में रोटी बेटी का संबंध है जन स्तर में संबंध है एक आपस में धार्मिक आस्था दोनों देश में है अभी नेपाल सेकुलर राष्ट्र है भारत नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है हमारा जो मूल अपनी एक जो व्यवस्था और एक सनातन की जो व्यवस्था है हिंदू राष्ट्र बने या ना बने और न जुड़े पर जो सनातनी जो व्यवस्था है चाहे नेपाल की हो चाहे भारत की हो यह है ही है जो पशुपति में भी जो भी अभिषेक के लिए पूजा के लिए दर्शन के लिए ज़्यादातर हिंदू इंडिया से आता है कोई बाहर देश का नहीं आता कोई जापान का नहीं आता कोई ऑस्ट्रेलिया का नहीं आता कहाँ का आता है भारत का आता है और ये जल की व्यवस्था एक चीज़ और भी होता है केदारनाथ और पशुपतिनाथ का ये भी एक रिश्तेनाथ का संबंध है संबंध भी है और ये जल जो है ये परम्परागत है ये विरासत है हमारे लिए मैं इस जल को ला रहा हूँ विगत ग्यारह वर्षों से तो एक विरासत के रूप में ला रहा हूँ अभिषेक कर कर रहा हूँ इसको पशुपतिनाथ में तो एक भक्त कल्याण के लिए और एक जन जन कल्याण के लिए और एक सनातन के लिए ये जल अभिषेक होता है और हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए ये जल अभिषेक किया जाता है और जो हमारा जो रिश्ता है ये पौराणिक है कोई आज की व्यवस्था नहीं है कि हम कर रहे इस रिश्ते को भारत और नेपाल का रिश्ता तो बहुत गहरा है एक मित्र देश का भी है और एक धर्म क्षेत्र से भी देखें तो केदारनाथ का मुख्य मुख्य पूजा जो है पशुपतिनाथ माने जाते और धड़ की पूजा केदारनाथ में होती ये बहुत पुरानी इस भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बहुत बाहर पशुपतिनाथ के पूजा आजा किया है और पशुपतिनाथ का दर्शन किया है इस बार पशुपतिनाथ में जब महाराज को दर्शन करने के लिए आप जाएंगे जब जल अभिषेक आप चढ़ाएंगे भगवान पशुपतिनाथ में और भारतीय पर्यटक आएगा धार्मिक पर्यटक आएगा कि नहीं आएगा इसमें इस इसमें क्या हो सकता है भूमिका है नेपाल के विकास में इस चीज में आपको विस्तार से बताता हूँ कि लाखों ग्यारह लाख से ऊपर तो मेरे शिष्य होंगे जिनको मैं इन्वाइट भी कर सकता हूँ और करता हूँ जो नेपाल पशुमनाथ में दर्शन करने आते हैं तो ये तो एक बढ़ावा सनातन के लिए और जो नेपाल विकास पशुपति कोष के लिए जो इतनी पर्चियाँ कटती है कोई बाहर का थोड़ी काटता है या नेपाल का आदमी नहीं काटता वो बाहरी दर्शन करता है जो भी जितनी भी पर्चियाँ कटती है सब इंडिया का आदमी आता है अभी अभिषेक की पर्ची कटेगी उसकी पर्ची कटेगी तो कुछ भगत तो हमारे हैं कुछ देख के कुछ टी वी के माध्यम से कुछ और देखेंगे सनातनी की व्यवस्था तो उसमें और लोगों यहाँ पर नेपाल में अच्छी व्यवस्था रहेगी और सनातन का झंडा और गढ़ेगा और व्यापार का भी जो व्यापार दृष्टि में भी देखने वाले जो परमात्मा का वो भी झंडा बहुत गहरा रहेगा क्योंकि धन संबंधी भी वृद्धि होगी पशुपति विकास कोष में ये जल के माध्यम से इस जल लाने वाला तो मैं पर जागृति पूरी विश्व की है ये जल क्यों चढ़ता कहाँ से आता है क्यों चढ़ता कब भरा जाता इसके बारे में थोड़ा मैं थोड़ आपको विशेष विशेष रूप से बताता हूँ ये जल जो है अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर गंगोत्री गौमुख से भरा जाता है साल भर इसकी पूजा जय दुर्गे पशुपति भवन में ज्वाला ज्योति से जो ज्वाला ज्योति मेरे पूर्वजों ने जो कांगड़ा में ज्वाला ज्योति है वहाँ की ज्योति मेरे स्थान पर जय दुर्गे पशुपति भवन में साल भर इसकी पूजा होती है उसके पश्चात यह गंगा जल कलश परम्परागत मैं जैसे मेरे पूर्वजों ने मेरे पिताजी ने आज मैं ले जा रहा हूँ तो ये पशुपतिनाथ के लिए प्रस्थान होता है तो प्रस्थान के इसके कहीं पड़ाव है ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ये नेपाल आ गया इसके बाद मेरे उत्तरकाशी से हरिद्वार हरिद्वार भव्य दिव्य स्वागत उसके बाद देहरादून में भव्य दिव्य स्वागत उसके बाद दिल्ली में भव्य दिव्य स्वागत एक जन जागृति स्वागत भी नहीं एक जन जागृति भी है एक एक मुट्ठी में एक सूत्र में हिंदुत्व को बांध रहा है एक सूत्र में हिंदुत्व को बांध रहा है बा, बांध रहा है बांध 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 रहा 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 है रहा है कैसे है सनातन नहीं कैसे बांध रहा है बांध्रातन बांध रहा है नेपाल तो सेकुलर राष्ट्र है कैसे हिंदुत्व तो बांध बांध रहा है इंडिया से पूरा बांध के आ रहा अब नेपाल में अगर ये जल न चढ़ता शंकर को जल चढ़ता है कि नहीं चढ़ता ऐसा है कि शंकर को जल न चढ़े ऐसी व्यवस्था है नहीं है ना ये जल जो है पूरे एकजुट रहा है अब आप भी यहाँ पे आ रहे हैं आपका स्टूडियो आपकी व्यवस्था आप भी कहीं ना कहीं, कहीं ये प्रार्थना में चाहे अंदर से बाहर ना बोले वो अलग बात है पर ये जो है शिव कलश है और गंगाजल का कलश है जो शिव को ही अर्पण हो चाहे पशुपतनाथ का शिव हो चाहे केदारनाथ का हो चाहे रामेश्वर हो चाहे बारह ज्योतिर्लिंग में कहीं भी कहीं भी ये जल चढ़ सकता है पर हमारा जो मूल ये यहाँ यूँ चढ़ता है कि मेरे पूर्वजों द्वारा दसवां पीढ़ी से ये जल जो है पशुपतनाथ में समर्पण है समर्पण है जल पशुपतिनाथ से समर्पण करने के बाद नेपाल में कुछ फायदा होगा विकास होगा बहुत फायदा हो होगा क्यों भाएदा जल भाएदा... के कारण कारण जल के कारण ये फायदा होगा जो सनातनी है जो इसका दर्शन मात्र से है और तुम्हारे जो विकास कोष की व्यवस्था है विकास कोष की व्यवस्था तो इसमें लाखों यात्री हमारे साथ आते दर्शन करने आते वो भी पर्ची काटते ना तो भी, 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 एक चीज़ वो भी है पशुपति विकास कोष का तो हो गए पशुपति विकास कोष में तो हो गई सेवा पर जितने पर्यटक होटल है रुकने की जगह है गाड़ी की जगह है हवाई जहाज की सेवा है ये कौन तुम्हारे राष्ट्र नेपाली राष्ट्र में तो आएगा तो बाहर से आदमी आएगा तो यहाँ का विकास स्वाभाविक है कि नहीं है ये स्वाभाविक हो जाएगा ये चीज़ें आपने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किया है मुलाकात नहीं हुई मेरे प्रधानमंत्री से उस कारण बस नए उपाय मुलाकात करने वाला है मुलाकात मैं क्यों नहीं करूँगा अपने देश का प्रधानमंत्री हूँ और मैं वहीं का रेहवासी हूँ तो वो तो आम बात है कि प्रधानमंत्री से मुलाकात की योगी आदित्यनाथ से आपका बातचीत हो रहा है बातचीत हो रहा है यो योगी आदित्यनाथ जी भी नेपाल में धर्म और संस्कृति लिए बहुत समर्पित है हाँ आप मुलाकात के समय नेपाल के बारे में नेपाल ने? के बारे में तो वो जिक्र नहीं हुए जिक्र तो यहीं पे हो रहा है पर यह कि नेपाल देखा अभी राम मंदिर बना हिंदुत्व और सनातन का तो उसमें देखा होगा आपने जो इसमें सामान जो मूर्ति का कहाँ से गया नेपाल से गया तो एक संबंधी का तो है एक प्रेम तत्व का तो है एक अखंडता का तो है इसीलिए तो यहाँ से सामान ले गया नहीं तो उधर दूसरे देश से क्यों नहीं ले गए सामान क्यों गया यहाँ से क्या सनातन की व्यवस्था और पौराणिक और परंपरा था तभी तो गया तो चीजें हैं। भारतीय प्रधान नरेंद्र मोदी धर्म और, और कर्म में विश्वास करने लीडर है हाँ भारतीय जो हमारे नरें नरेंद्र मोदी माननीय धार्मिक लीडर है ना वो। धर्म लीडर है माननीय नरेंद्र मोदी जी और विश्व जागृति उन्होंने जो सनातन की जो व्यवस्था जागृति तो पहले ही थी पर उन्होंने उनको अलंकृत कर दिया जागृत कर दो फूक दिया आज जो ये तुमको ये जल दिख रहा है ये तो बरसों से आया आज मीडिया में मैंने दिखाया नहीं पहले भी आज ये नरेंद्र मोदी की नेपाल के मीडिया में आ है। आ, मीडिया इस में में है है कभी नहीं, नहीं आया अभी आज नहीं जो है इस इस ये सनातन की जो व्यवस्था हमारे देश की भारत की नरेंद्र मोदी सरकार में तो ये पूरा ओपन है दिखा सकते हैं पूरा खुला है सनातन का पूरा झंडा लहरा रहा है और नेपाल में भी लहरा रहा है और भारत में भी लहरा रहा है ये सर नहीं कि नहीं लहरा रहा है जल संजीवनी बूटी है क्या है नेपाल नेपाली के लिए संजीवनी बूटी का काम समझो क्योंकि ये रिश्ता है धर्म और संस्कृति को रिश्ता का, कायम करने के लिए भी है ये प्रेम और प्रेम और एकता के लिए भी है प्रेम और एकता के लिए भी जल महत्वपूर्ण तो तो है महत्वपूर्ण है नेपाली जनता का जो आस्था विश्वास पशुपतिनाथ में है पशुपतिनाथ में आपका भी जो एक संकल्प है उनको आगे बढ़ाना है ये भारतीय संख्या भी बढ़ाना है ये संकल्प की जो व्यवस्था मैं तो मेरे को तो ये चीजें विरासत में है मुझे जो है ये चीज़ें जो है विरासत में है क्योंकि मेरे दसवां पीढ़ी का मैंने आपका जिक्र किया फिर पैंतालीस वर्ष तक मेरे पिताजी ने जल अभिषेक बाबा पुरुषनाथ में किया कोई अपना हमारा कोई व्यक्तित्व व्यक्तिगत कोई इसमें ये नहीं ये धर्म संस्कृति के लिए और परंपरा के लिए और बाहर सनातन के लिए और नेपाल की व्यवस्था प्रेम भाव सद्भावना के लिए भी ये बाबा बाबा पशुत कलश अभिषेक किया जाता है और तो ये इसका मूल आधार है और इसकी ज़्यादा बड़ी राजनीति नहीं है कि और आप इतनी गहराई में जाए नहीं।, नहीं गुरु जी महेंद्र महाराज नेपाल में तो क्या है कि धर्म में राजनीति हो रहा है धर्म की व्यवस्था राजनीति की मैं बोलूंगा ना इस चीज में पर जो मूल हमारा आधार है ये जल का अखंडता और भारत और नेपाल के संबंधों का और ये जलाभिषेक नेपाल के फायदा के लिए भी फायदे के लिए ये होगा कि जो, जो, नेपाल जो के फायदा के लिए है। जो नेपाल के फायदा पूरे होगा क्यों होगा क्यों जो सनातनी वहाँ आ रहे हैं ये टी में दिल्ली देख रहा है बम्बई देख रहा वहाँ देख रहा ये जल चढ़ता कहाँ आएगा देखेगा तो इन होटलों में रुकेगा वहाँ पर ची काटेगा यहाँ रहेगा तो व्यवस्था तो अच्छी होगी हवाई जहाज़ आएगा यहीं के जहाज़ में आएगा यहीं के होटल में खाना खाएगा तो व्यवस्था तो एक स्वाभाविक है तो ये परंपरा भी और जो है भक्ति भी और सब कुछ दोनों चीज़ हो गए सोने में सुहागा हो गया जैसे ऐसी व्यवस्था है शिवरात्रि पर्व राष्ट्रीय पर्व है नेपाल और नेपाली के लिए पशुपतिनाथ में दर्शन के लिए लाखों दर्शक शिवरात्रि के दिन पहुंचेंगे आप भी जा रहे हैं ना महाराज महेंद्र जी मुझे बता दीजिए उस दिन आपका कार्यक्रम क्या क्या है पशुपतिनाथ नात्मे? में पशुपतिनाथ में ये जल अभिषेक होगा कार्यक्रम तो यही मूल होगा और, और बड़ा कार्यक्रम तो होगा मेन यही जल का अभिषेक है सबसे बड़ा कार्यक्रम तो यही है और कुछ कार्यक्रम नहीं है और कोई भी कार्यक्रम नहीं हो दस तारीख तक आप नेपाल ने, में रहेंगे नेपाल में रहूंगा मैं जो है नेपालगंज नेपाल 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 ने। चले जाऊंगा नेपालगंज से मैं लखनऊ चले जाऊँगा लखनऊ आप लखनऊ में रहने वाला है हाँ। योगी आदित्यनाथ का क्या है अभी नेपाल में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एजेंडा उनका हिंदू राष्ट्र का वो तो अपने सनातनी है ही है वो अपना व्यवस्था देख ही रहे उनके चाहना है नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने पूरा आदित्यनाथ का सब कुछ अच्छा है उनकी तरफ से सब कुछ अच्छा है और बढ़िया है हिंदुत्व और हिंदू आपको क्या संदेश भेजा है योगी आदित्यनाथ ने ये विशेष व्यक्तिगत जो संदेश मेरा खुद का है कोई मंत्री या कोई इस लेवल का कोई ये नहीं व्यवस्था आगे समझ में ये खुद की अपनी परंपरा का ये चीज़ें है जब आप जाएंगे पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए जल लेकर जाएंगे उसके लिए आपको सुरक्षा का व्यवस्था भी करना चाहिए नेपाल सरकार से मेरी यही अनुरोध है प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहते हैं आप जब तक व्यक्तिगत था मैं भी 11 साल से इसको चढ़ा रहा हूँ तब तक मैंने चढ़ाया इसको और आज ये सार्वजनिक है और सार्वजनिक इसीलिए है कि पूर्व का था जैसे ले गए अपनी व्यवस्था हमने चढ़ाया आज हमको सुरक्षित चाहिए इसके लिए क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ होती है गृह मंत्री से ये अनुरोध है प्रधानमंत्री से ये अनुरोध है कि अच्छी सुरक्षा हो और हमारा जलाभिषेक हो बस ज्यादा व्यवस्था आपको हो सुरक्षा हो हो। होना चाहिए, चाहिए सुरक्षा और शिवरात्रि के दिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बस ये आपको सुरक्षा देना चाहिए देना चाहिए बस यही यही व्यवस्था यही बस आप प्राणाम से मुलाकात नहीं करेंगे प्रचंड से मुलाकात नहीं हुई अभी फिलहाल अभी तक मुलाकात नहीं हुई नहीं नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ क्यूँ नहीं टाइम भी नहीं हुआ और फिर जो है ऐसा व्यवस्था नहीं बन पाए कि जो मुलाकात हो पाई आप प्रचंड से बात करें धर्म करने बात करना इस प्रकार का मौका मिले तो क्यों नहीं बात करना चाहेंगे प्रधानमंत्री से बात करने के लिए आप राजी है राजी है और गृह मंत्री से नारायण गृह मंत्री से भी आप पोलिटिकली लीडर से कौन कौन से मुलाकात किया है नेपाल में मैंने किसी से नहीं किया किससे से बात से क्यों नहीं क्यों ऐसा कि अपनी मर्मी तो नेपाल में आकर सब पॉलिटिकल पार्टी की मुलाकात करता है ना वो तो है पर अपना अपना व्यवस्था है ना आपने अपनी अपनी व्यवस्था है मैं अब करना चाहता हूँ अब अब मैं करना चाहता हूँ आपके प्रधानमंत्री से भी और गृह मंत्री से भी क्यों करना चाहते एक जन जागृति की एक संदेश जो तो आप मुलाकात कर करना चाहते हैं कर एक अनुरोध है।, है एक व्यवस्था है उसमें सुरक्षा प्रदान करे और ये जल चढ़े और बस ज्यादा कुछ नहीं महाशिवरात्रि के अवसर में भारत में भी भव्य रूप में मंदिर में पूजा होता है और भारतीय भक्तजन भी बहुत शिवा के दर्शन के लिए आते हैं इस बार कितना पर्यटक आ सकता है भारत से नेपाल में के अवसर पर बहुत लोग आते हैं बहुत लोग लाखों नहीं आता लाखों में आता है, है। लाखों में आता है। हजारों में आता है लाखों में आता है भक्त भारत से क्यों नहीं आता भारत से तो पूरे मंदिर की व्यवस्था होती है यहाँ के नेपाल की जो व्यवस्था जो है नेपाल की व्यवस्था से नहीं चलता मंदिर में बता रहा हूँ इसको ओपन बता रहा हूँ आपको ये पूरा जो पशुपति विकास कोष की जो व्यवस्था जितनी भी पर्चियाँ काटती है भारतीय काटता है भारत का काटता है नेपाल की पर्ची कोई नहीं करती नेपाल के तो खाली मेला होता है उसको बोलते हैं जात्रा यात्रा में परिक्रमा होती है और इसी में भाग जाते हैं भारी और भीड़ भीड़ रहती है जितनी भी पर्चियाँ सब इंडिया का काटता है उसमें इंडिया का सनातनी काटता है इंडिया का हिंदुत्व तो काटता है आप सबको भारतीय पर्यटक के लिए आह्वान करिए अनुरोध करिए अनुरोध तो महाशिवरात्रि के पर्व अवसर भारतीय पर्यटक आना चाहिए भारतीय अनुरोध जो है दिल्ली हो चुका है मुंबई हो चुका है जनता को आह्वान तो हो चुका है ये मीडिया में ये मीडिया में जो दिल्ली की मीडिया में तुम्हारे लखनऊ की मीडिया में ये प्रसारण का मतलब क्या आइए करिए इसी का तो ये संदेश दर्शन करिए एकता अखंडता बनाए भारत नेपाल के बीच में दर्शन भी करे पश्वन्नाथ का दर्शन भी करे और आनंद लीजिए वहाँ का वही चीज़ है तो आ ही रहे हैं तो वहाँ से प्रचार प्रसार तो पूरा ही है और तभी तो इंडिया क्या आ रहा है जब ये जल की व्यवस्था देख रहे हैं वहाँ से जल यहाँ आ रहा है वहाँ ये चढ़ता है तभी तो लोग आएंगे जागृति नीति तो व्यवस्था का कुछ नहीं पश्विन्दनाथ में व्यवस्था मैं तो कम से कम जो है ग्यारह साल से मैं भी देख रहा हूँ ये जल तो अपने दम पर हमने चढ़ाया कैसे चढ़ाया अपनी व्यवस्था करके ले गए पर अब वो व्यवस्था नहीं रही क्योंकि अब मुझे जो देखा जो वास्तविक देखा वहाँ पर वहाँ राजनीति हो गई वहाँ जो व्यवस्था राजनीति तो में राजनीति है भारत भी है ऐसा नहीं कि नहीं है भारत में राजनीति यहाँ राजनीति हो गई मंदिरों पर क्योंकि वहाँ पर जो है व्यवस्था नहीं आज जो है सरकार की व्यवस्था लेनी पड़ रही हमको ये जल की व्यवस्था दो हमको चढ़ाओ हमारा जल जो आप इस प्रकार का नहीं तो आपकी हम हम तो एक अनुरोध ही कर सकते हैं ना तो ये चीज है नेपाल के विकास और प्रगति के लिए भारत का भी महत्वपूर्ण भूमिका होना चाहिए अभी तक भारत ने नेपाल को विकास और समृद्धि में धर्म और संस्कृति में कितना सपोर्ट किया है आप क्या बताना साथ साथ है। बहुत है बहुत है मेरे बहुत सपोर्ट है क्यूँ बहुत सपोर्ट है नेपाल के लिए बहुत है बहुत यह है कि ज्यादातर तो नहीं बताऊंगा मैं नेपाल में बताऊपूर्ण बहुत बहुत मंदिर है देवी के मंदिर है शंकर के मंदिर पर मूलभूत जो पशुपतिनाथ का मंदिर है भारत की जो यात्री केदारनाथ दर्शन करने आता है वो जरूर पशुपतिनाथ पे आएगा जो वहाँ अभिषेक करेगा वो जरूर जरूरी है एक व्यवस्था ऐसी एक परंपरा ऐसी एक संस्कृति ऐसी जो केदारनाथ का दर्शन करेगा और पशुपतिनाथ का दर्शन आता ना करेगा तो अधूरा है यात्रा क्या मानी जाएगी अधूरी मानी जाएगी इसलिए जो केदारनाथ में जो दर्शन करता है वो जरूर पशुपतिनाथ आता है उसको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी कि नेपाल सरकार को बुलाओ वो बुलाओ कोई उसमें सपोर्टिंग पॉलिटिकल सपोर्टिंग नहीं वो अपनी आस्था अपनी परंपरा इस अनुसार जो है यात्री बार बार आ रहा है जा रहा है दर्शन कर रहा है ये चीजें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेपाल मोह है नेपाल को विकास चाहता है आप सबके साथ लाखों आदमी हैं लाखों लाखो है। उनको नेपाल में लेने के लिए कुछ नया योजना है आपका कुछ नहीं नई योजना यही है ये कलश सनातनी है ये जल के माध्यम से एक तो कलश जल के माध्यम से पर्यटक माध्य। बढ़ेगा पर्यटक पर, बढ़ेगा बढ़ेगा पूरा बढ़ेगा ऐसे नहीं बढ़ेगा थोड़ा बढ़ेगा बहुत बढ़ेगा नेपाली धर्म और संस्कृति और धार्मिक दर्शक के लिए आप क्या बताना चाहते हैं मैं, मैं यही बताना चाहूँगा चाहे इंडिया का सनातनी हो चाहे नेपाल का सनातनी हो सब में प्यार प्रेम सब में एकता और ये मंदिर जो हमारी व्यवस्था है इसमें और गहराई से प्रयास हो और सनातन लोग बढ़े और और विस्तार से उसकी व्यवस्था बताई जाए और जो वहाँ पे आदमी है पशुपति विकास कोष के उसको और प्रचार प्रसार करें उस चीज़ का जो आगे विकास बढ़े ये चाहूँगा और समस्त भारतवासियों को मैं यही आऊँगा कि पशुपतिनाथ आप दर्शन करिए आनंद लीजिए और भारतीय गुरु और जोगी और योगी के हाँ बारे में यहाँ आकर नेपाल में राजनीति करता है धार्मिक में आक्रमण करता है और नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है भारत का वही मकसद है आप क्या बताएंगे इस बारे में मेरे तो क्लियर कट बता दीजिए हिंदू भारतीय बीजेपी का एजेंडा वो वो मोदी का एजेंडा क्या ये है आदित्यनाथ का एजेंडा क्या है और नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भारत क्यों चाहते हैं कट बता दीजिए हिंदू राष्ट्र की व्यवस्था एक सनातनी की जो व्यवस्था है वो नेपाल है ही है और भारत भी है ही बस ये मूल है बस इसमें जुड़ना है नेपाल भी तो तो हिंदू राष्ट्र है भारत में हिंदू राष्ट्र है सनातनी सनातनी हाँ सनातनी विश्व सनातनी है बस ये झंडा हाँ राष्ट्र की जो घोषणा वो हिंदू राष्ट्र की वो अलग पाठ है वो कब होगी क्या होगी वो अलग प्रार्थना है पर एक सनातनी है सब और जो ये जल की जो व्यवस्था ये सनातनी को तो जोड़ता है कोई हिंदू राष्ट्र को थोड़ी जोड़ता है सनातनी को लेकिन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर ने कहा है ना ये आदित्यनाथ नेपाल को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे सार्वजनिक रूप से कहा है तो उसका विषय में तो नहीं बताऊंगा मैं वो आप देख लेना पर मैं जो अपनी व्यवस्था है उसके बारे में बता दिया आपको थैंक यू सो मच ओम शिवाय गुरु आपको बहुत धन्यवाद आपने इंटरव्यू दिया है नेपाल भारत संबंध के लिए थैंक लाइफ स्टाइल प्रेजेंट्स जनता जानना चाह टाइटल स्पॉन्सर